जैसे गिदड़ की मौत उसे शहर की तरफ दौड़ने पर मजबूर करती है। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी कुछ ऐसी ही तस्वीर कशी कर रहा है। पाकिस्तान कशकोल उठाए दुनिया भर से उधार की भीख मांग रहा है। हुब्बुल वतनी और मुल्क दुश्मनी के फतवे जारी हो रहे हैं, कुफर के फतवे दिए जा रहे हैं। मुआशरे में इंतहा पसंदी के पौधों की आबियारी करके उन्हें तनावर दरख्तों में तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पत्नी बुशरा बीबी को घर से निकाल दिया है। अब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस यानी कि बानीगाला में जो उनका घर है उसमें नहीं रहती हैं। आपको सबसे पहले खबर दी थी कि आईएसआई चीफ की ट्रांसफर हो गई है, किसी भी न्यूज चैनल से या यूट्यूबर से पहले हमने आपको खबर दी थी एक दिन पहले। ये खबर भी मेरे कंफर्म सोर्सेस से आ रही है और ऐसे सोर्सेस से जो कभी फेल नहीं होते। को ये भी पता है कि शेख रशीद वो आदमी है जिसने इमरान खान की ऑन एयर ऑन कैमरा बैठ करके इंसल्ट की थी। मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया भर में बदतरीन गवर्नेंस का कोई अवार्ड होता तो वो इमरान खान और इमरान खान की सरकार को मिलता। इंसान इंसान को डस रहा है और सांप दूर खड़ा हंस रहा है, ये वो दौर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है और पहला जो टॉपिक है उसमें बात हो रही है इमरान खान की कारकर्दगी के ऊपर और दूसरे टॉपिक में बात हो रही है इमरान खान की जो पत्नी है उनके बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें इमरान खान की पत्नी के बारे में तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो इमरान खान की पत्नी है उनको इमरान खान ने अपने घर से निकाल दिया है और ये इमरान खान की तीसरी बीवी थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज है और वो भी इस समय पर आ रही है जबकि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो इमरान खान को लताड़ लगा रही है और पूरी जो पाकिस्तान है उसमें जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उनका मजाक बना रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपको पता होगा कि जो पाकिस्तानी आवाम है और पाकिस्तानी जो एंकर है वो तो इमरान खान को लताड़ लगा ही रहे हैं, उसी के बीच से इमरान खान ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया और उसने ये कहा है कि हमारे जो वजीर हैं उन्होंने इतने शोबे में मतलब एग्रीकल्चर पढ़ाई या फिर बहुत सारे चीज़ों में इतने अच्छे अच्छे काम किए इनको अवार्ड दिया जाए। और उसके बाद से तो पाकिस्तानी मीडिया का जो गुस्सा है वो फूटेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से इमरान खान इन सब चीज़ों में नाकाम हुआ है और उसके बाद भी वो इन सब चीज़ों को कर रहा है तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया आज इमरान खान पर फूट पड़ी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या कहती है। गिदड़ की मौत उसे शहर की तरफ दौड़ने पर मजबूर करती है। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी कुछ ऐसी ही तस्वीर कशी कर रहा है। पाकिस्तान कशकोल उठाए दुनिया भर से उधार की भीख मांग रहा है। हुब्बुल वतनी और मुल्क दुश्मनी के फतवे जारी हो रहे हैं, कुफर के फतवे दिए जा रहे हैं। मुआशरे में इंतहा पसंदी के पौधों की आबियारी करके उन्हें तनावर दरख्तों में तब्दील किया जा रहा है। ज़राए अब्लाग दिन को रात और रात को दिन साबित करने में जुटा हुआ है। मुल्क में तब्दीली चकमा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सियासी इख्तलाफ सियासी मफाद नफरत और इंतकाम में तब्दील हो चुका है। अदलिया कि आलमी रैंकिंग में 130वां नंबर, करप्शन में आला तरीन मकाम हासिल कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी से लेकर कारोबारी अशराफिया तक हर चीज जवाल पजीर है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने में मसरूफ है, हुकूमत आवाम को बेवकूफ बनाने में। और जहां अपोजिशन ये कह रही है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, खान को इक्तदार की कुर्सी से घसीट कर उतारना नागुजेर हो चुका है क्योंकि मुल्क तबाह हो चुका है। लोग भूखे मर गए, मुल्क की मईशत जमीन बोस हो गई। अगर हुकूमत को मजीद वक्त दिया तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। तो वहीं कप्तान ने अपनी टीम को इस काम पर लगा दिया कि पूरी कौम को मकसूद चपरासी का नाम याद करवा के कौम को यह भावर करवाएं कि अपोजिशन करप्शन में डूबी हुई है, ये चोर हैं, डाकू हैं और मुल्क से भागने के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर रहे हैं और NRO मांग रहे हैं, चाहे बाद में वो इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाए। अलमिया देखें, हुक्मरान जमात 4 साल इक्तदार में रहने के बाद भी अपना 20 साल पुराना बयानियां मुसलसल दोहरा रही है। सियासी तमाशबीन यह जानने की जस्तजू में है कि मुल्क में सियासत का मुस्तकबिल होगा क्या। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पत्नी बुशरा बीबी को घर से निकाल दिया है। अब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस यानी कि बानीगाला में जो उनका घर है उसमें नहीं रहती हैं। वो जा चुकी हैं लाहौर और उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे 10 लोग, उन्हें भी निकाल दिया गया है। हमने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि आईएसआई चीफ की ट्रांसफर हो गई है, किसी भी न्यूज चैनल से या यूट्यूबर से पहले हमने आपको खबर दी थी एक दिन पहले। ये खबर भी मेरे कंफर्म सोर्सेस से आ रही है और ऐसे सोर्सेस से जो कभी फेल नहीं होते। ये खबर अभी रोकी गई है, कहीं पे पाकिस्तान में ये खबर नहीं है, लेकिन सच ये कि वो जा चुकी है लाहौर और उन पर आरोप ये लगाया गया है कि वो पैसा कमा रही थी ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे और दूसरी चीजों पर, उनकी अपनी सेटिंग थी और उससे वो कमा रही थी, जो कि इमरान खान को पता चल गया और उन्होंने निकाल दिया। सच कुछ और दिखता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स में जो पैसा आ रहा था वो अखबारों में बहुत दिन से छप रहा था कि जो इनकी वाइफ है पिंकी फिरनी वो कर रही हैं।
और उनकी तरफ से चल रहा है। बानीगाला में एक अलग गेम चलता था और वो इमरान खान को बखूबी पता था, जिसमें कोई शक नहीं। ये अभी प्रॉपरली अलग होने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये खबर जल्दी ही अब सबके सामने आ जाएगी। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसमें सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। और हम आते हैं वापस अपनी खबर पर। उन्होंने जो उनके 10 लोग पिंकी फिरनी के पास थे, जो कि उनकी खिदमत में लगे होते थे बानीगाला में, उन 10 लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। बानीगाला में वो नहीं आते हैं, सॉरी बानीगाला के इमरान खान के रेजिडेंस में अब वो नहीं आते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी ही डिवोर्स भी हो सकता है दोनों का। वजीर दाखला शेख रशीद की वजारत का नवा नंबर आया, ये भी शुक्र है कि नवा नंबर आया, वरना भाई इनको तो नीचे से ऊपर आना चाहिए था। ये इतना टैलेंटेड आदमी है कि ये हर जमहूरी डिक्टेटर या सिविलियन डिक्टेटर की अंगूठी में नगीने की तरह से जाके फिट हो जाता है। ये इतना टैलेंटेड आदमी है कि ये जनरल मुशर्रफ की काबीना में भी वजीर था और इमरान खान की काबीना में भी वजीर है। गेट नंबर 5 जिसका जामिन है, जो गेट नंबर 5 से अपने ताल्लुकात की वजह से 8 दफा मेंबर कौमी असेंबली बना और न जाने कितनी मरतबा मिनिस्टर बना, जिसके रेलवे का मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तानी कौम ने पै दर पै 100 हादसात, जी हां 100 हादसात देखे, हर मरतबा हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर को करार दे करके, और वजारत रेलवे ने अपनी जान छुड़ा ली। शेख रशीद की वजारत पर आंच ना आई और उसके बाद भी जो झक मारा गया वो ये कि इसको प्रमोट करके शेख रशीद को मुल्क का वजीर दाखला लगा दिया गया। आपको यह भी पता है कि शेख रशीद वो आदमी है जिसने इमरान खान की ऑन एयर ऑन कैमरा बैठ करके इंसल्ट की थी। ओ यस, आप एक टांगा पार्टी के चेयरमैन है, ओ आप दो टके के, आप सुने, आप याद करें, अपनी याददाश्त पे जोर डालें। इमरान खान और शेख रशीद की तो तू मैं, वो कह रहा था कि मैं इसको चपरासी भी नहीं लगाऊंगा, और अपनी हुकूमत में पप्पा जानी ने उसी की वजारत उज़्मा में उसकी नाक के नीचे उसकी मर्जी के खिलाफ या मर्जी से, हू केयर्स, मुल्क का वजीर दाखला बना रखा है, मुल्क का वजीर दाखला बना रखा है। यह वही वजीर दाखला है जिसकी रंगीन तबाह जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता, जिसको हरीम शाह कट करके अपना नंबर मिलाती है और ये उसका फोन दूसरी बेल पे उठा लेते हैं। हरीम शाह जैसी टट पूंजी, हरीम शाह जैसी एक दो नंबर खातून, जो अदनंगी हालत में वजारत खारजा के दरवाजे खोलती पाई गई थी, उसका इस मुल्क की वजारत दाखला से, वजीर दाखला से जो ताल्लुक है, उसको देखे बगैर शेख रशीद को नवा बेहतरीन वजीर करार दिया है इस मोहम्मद शाह रंगीले की सरकार ने। और फवाद चौधरी की हम बात करें, फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके, ये वो अपनी वजारत और अपनी बात कर रहे हैं, हम इस बार इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वजारत वजीर आजम ऑफिस को देती है। अच्छा, वो बेसिकली अपनी लंतरानी कर रहे हैं कि हमें क्यों कर नहीं मिला, और हमें नहीं मिला तो दरहकीकत हम अगले साल इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे। ये वो आदमी है कि जो जल मुशर्रफ के अहद में उसके दौर में भी वजीर था, जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी मुशीर था, जो इमरान खान के दौर में भी वजीर है। ये जद्दी पुश्ती लोटा तो मैं नहीं कहता, मैं इनके अब्बा को नहीं जानता, लेकिन जो मुसलसल लोटा जिसको हम कहते हैं ना, जो मुसलसल लोटा है, और लोटे इमरान खान को जितने पसंद हैं, अगर आप नहीं जानते तो अगेन फिर वही मशवरा है मेरा, इलाके के किसी अच्छे से डॉक्टर से आप रुजू कीजिए जो आपको तसल्ली बख्श इलाज के साथ साथ कुछ अपर चेंबर को आपकी तशफी का सामान भी कर सके, जिसकी दवाएं। इमरान खान मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया भर में बदतरीन गवर्नेंस का कोई अवार्ड होता तो वो इमरान खान और इमरान खान की सरकार को मिलता, लेकिन शूमिय किस्मत देखिए, मारूं घुटना फूटे आंख। ये वो दौर है कि जब वो कहते हैं ना कि इंसान इंसान को डस रहा है और सांप दूर खड़ा हंस रहा है, ये वो दौर है कि जिसमें कपड़ों वाले अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं और नंगे जो हैं वो बामे उरूज तक जा पहुंचे हैं। सारे चीजें थी, हाँ ये जरूर है कि पिंकी फिरनी की लाइफ में उनका फॉर्मर हस्बैंड वापस आ गया था और वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के पैसे ले रहा था, और पिंकी फिरनी का एक बेटा भी है, वो भी हेरा फेरी कर रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग्स में और वहां पे दलाली कर रहे थे जिसका पैसा आ रहा था। इमरान खान को ये बात बखूबी पता थी कि ये हो रहा है, लेकिन फिर भी
करने दिया जा रहा था। अब ये भी बोला जा रहा है कि कुछ कंफर्म रिपोर्ट्स जो आ रही है, सॉरी अनकंफर्म रिपोर्ट्स जो मेरे पास आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि पैसे की बंटवारा जो था उस पर लड़ाई हुई है दोनों के बीच में। इमरान खान को कुछ हिस्सा इमरान खान के पास आता था, कुछ बुशरा बीवी रखती थी, और उसमें कुछ हेरा फेरी हुई जिससे कि इमरान खान खफा थे और इमरान खान ने निकाल दिया। और यह भी बोला जाता है कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे और बहुत सारे जादू टोने कराए गए थे, बहुत सारी उसके ऊपर गेम किए गए थे, बहुत सारी नमाजें पढ़ी गई थी और जिन पकड़े गए थे, ये सारा काम बुशरा बीवी गई था। बुशरा बीवी एक्चुअली अपने एरिया में जहाँ की वो रहने वाली, वहाँ पर उनको पिंकी फिरनी के नाम से बोलते जाना जाता है। और ये बोला जाता है कि इन्होंने दो जिन पकड़े हुए हैं, अगर कोई उनसे मिलने आता है तो वो उन जिन्नों को ऑर्डर करके वो काम करवाती है। इसी लालच में इमरान खान उनसे मिलने गए थे। जो भी कोई काम कराने आता है उससे वो बोलती हैं कि मेरे लिए पका हुआ खाना लेके आओ, वो अपने दो जिन्नों को खिलाती और काम करवाती। यहीं से शुरू होती है इमरान खान की और बुशरा बीवी की शादी की स्टोरी। वो भी मैं आपको बताऊंगा, इनके जो पुराने पिछले शौहर थे फरीद मानेका, वो एक फॉर्मर मिनिस्टर के बेटे थे और कस्टम के सीनियर ऑफिशियल इस्लामाबाद में। बुशरा बीवी के 5 बच्चे भी हैं, वो बच्चे में से अभी एक की शायद शादी हुई थी वहां पर सऊदी अरेबिया में। ये पाटन डिस्ट्रिक्ट जो कि लाहौर से करीब 250 किलोमीटर दूर है, वहां की रहने वाली हैं और वहां पर इनको काफी माना जाता है, इसमें अच्छी बात है।